वन सेकेंड, मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ साथ में। यस, सुनो आने का। चलिए सब लोग आइए फटाफट। अच्छा, मैंने आप लोगों को ग्रुप पे को भेजा है, एक कंपटीशन है और उसका 20 तारीख को लास्ट रजिस्ट्रेशन है। तो मोस्टली संडे आपके लिए मैं एक उसका सेमिनार भी रखूँगा। वो कंपटीशन क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस एकदम फ्री है, आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगे 3-4 देखने के लिए, और उन्हीं वीडियोस के बेस पे आप लोगों का टेस्ट रहेगा। यस, आप सब लोग पार्टिसिपेट करिए। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो इस संडे को आधे घंटे का, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, अगर टेस्ट सुबह हुआ तो शाम को सेशन रखेंगे, या सुबह सेशन रखेंगे तो शाम को टेस्ट होगा। एपी का फुल टेस्ट इसलिए मैं सुबह ही रखूँगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सुबह मोस्टली आपका 3 घंटे का टेस्ट होगा, 9 से 12 के आसपास, या 10 से 1, 3 घंटे का आप टेस्ट तैयार रहिए। और शाम के टाइम ये सेशन रहेगा आप लोगों का। ये इवेंट क्या है, इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें प्राइज मनी कैसा है, रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है, बिंदास होकर रजिस्टर करो। 20 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा और शायद 25 को इसका एग्ज़ाम है, जुलाई में ही है। तो आपको खाली बैठे बैठे कुछ अच्छा एक्टिविटी मिल जाएगा। हाँ, आप सब लोग पार्टिसिपेट किए, मैं ही पार्टिसिपेट करूँगा दोनों में, पर जीत मैं तुमको जिताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ओके, चलिए सर ट्यूशन ने आगे ऑर्गेनाइज किया है नेक्स्ट। क्या? ट्यूशन क्या बच्चा? हाँ, ने हमारे ऑर्गेनाइज ब्रांच, किया हाँ हमारे एक ब्रांच है इटावा में, तो वहाँ की ब्रांच है? ने ओके इसको सर, प्लानिंग किया था। चलिए, फिफ्थ सेवन्थ क्वेश्चन मैंने इसमें, हाँ फोर्थ करा दिया, फिफ्थ करा दिया, सिक्स मैंने छोड़ दिया है, आप लोग ट्राई कर सको तो कर सकते हो। सेवन्थ एट आपको समझाता हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन है समझा सकते। स्टार्ट करें, सब लोग आ गए हो?
चलो एक बार फटाफट अटेंडेंस दे दो। अभी 10-12 बच्चे बच्चे हैं जो नहीं है। अच्छा डन, सपोर्ट अटेंडेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर हैविंग 3 डिजिट्स, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 4, 3, 2, ठीक है। अभी देखो ये तीनों डिजिट एपी में भी है, क्यों है? क्योंकि सब में देखो 1-1 का डिफरेंस है ना, तो ऐसे 3 डिजिट्स हैं, कोई भी 3 डिजिट एपी में। उसने बोला इनका सम कितना है, 15 है। तो देखो हमारे डिजिट का सम कितना है, 7 + 2 9। तो उसने कहा ऐसी कोई 3 डिजिट है जो एपी में है और तीनों का सम कितना है, 9। तो हमें ये पता, जब भी हम 3 डिजिट एपी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, a-d, a और a+d, याद आया तुमको? तो हम मान लेते हैं जो मेरा 3 डिजिट नंबर है, जो मेरा 3 डिजिट्स नंबर है वो कैसा है, a-d, उसमें एक डिजिट है, एक डिजिट ए है और एक डिजिट a+d, ठीक है। तो मान लेता हूँ ये जो टर्म है ये यूनिट प्लेस पे है, जैसे मेरा यहाँ पर 2 कौन सा है, यूनिट प्लेस पे। ए मेरा कहाँ पर है, 10 प्लेस पे, जैसे यहाँ पर मेरा 3 है, और a+d मेरा 100 प्लेस पर है, मेरा कहाँ पर है, 100 प्लेस पर, ठीक है। तो उसने आपको देखो क्या क्या दिया। फर्स्ट उसने बोला है द 3 डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड देयर सम इज 15। एक तो सिंपल क्या बन जाएगा, a+d, तो तीनों डिजिट को हम प्लस करेंगे, a+a-d इक्वल टू 15, ठीक है। d से d कैंसिल, तो 3a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 5। इसका मतलब जो बीच का टर्म है वो 5 आ गया। चलिए अब अगली क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्योंकि तो कुछ भी सॉल्व करने के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, इक्वेशन में क्या दिया है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ओके इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू न्यू नंबर, द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग ओके, उसको ऐसे लिखेंगे उल्टा करके। तो जो आपका न्यू नंबर है वो आपका ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, 594, ये दिया ना, द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग, इसका मतलब जो नंबर रिवर्स करके ऑब्टेंड होगा, मतलब न्यू नंबर होगा, इज 594 लेस देन ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर -594। अभी देखो ये नंबर हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा पहले लिखेंगे हम लोग ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू आपको याद होगा हम लोग उसमें कैसे लिखते थे, 10x+y लिखते थे, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, 100 a+d प्लस 10 a प्लस 1 into a-t, सबको क्लियरेस्ट है ना। हम जब 2 डिजिट नंबर होता है उसको कैसे लिखते थे, 10x+y। अगर 3 डिजिट नंबर हो उसको कैसे लिखेंगे, 100x 10y+z। ये लॉजिक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर, इसको रीअरेंज कर लो, ए का वैल्यू कितना है, 5। तो 100 5+d प्लस 10 इंटू 5 प्लस
फाइव माइनस डी ये होगा 500 प्लस 100D प्लस 50 प्लस 5 माइनस डी। तो आप देखोगे 5 5 5 प्लस 99D, ये आपका कौन सा नंबर है? ओरिजिनल नंबर। उसी पे हम कौन सा नंबर निकालेंगे? न्यू नंबर। लेफ्ट साइड में करता हूँ इसको इरेज करके, आप लोग साथ साथ में नोट करें तो अच्छा है। हम न्यू नंबर निकालेंगे। जब जो हंड्रेड इंटू ए माइनस डी, अब डिजिट रिप्लेस हो जाएंगे, बीच वाला तो सेम रहेगा, ए प्लस ए माइनस डी। पहले यहाँ पर 100 के साथ क्या था? ए प्लस डी था। 100 के साथ क्या था? ए प्लस डी था। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 ए माइनस डी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100, अब ए की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस डी प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 माइनस डी। तो सेम 500 माइनस 100D प्लस 50 प्लस 5 माइनस डी, ट्रिपल 5 और कितना आ जाएगा? अच्छा ये प्लस आपका माइनस 99D। ये हमारा कौन सा है? न्यू नंबर। अब इक्वेशन में पुट करेंगे, न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल माइनस 594। तो न्यू नंबर होगा 555 माइनस 99D इक्वल टू 555 प्लस 99D एंड माइनस 594। चलो बताओ डी का वैल्यू कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करो। डी का वैल्यू बताओ मेरे को कितना आएगा? ट्रिपल फाइव कट हो जाएगा दोनों जगह से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 594 इक्वल टू 99D प्लस, सर यस शेफाली, हाँ न्यू नंबर, सर न्यू नंबर 555 माइनस 99D है ना जी सर, तो फिर उसमें से 594 कट होगा ना, ओरिजिनल नंबर में से सत्ता कैसे होगा? आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर में से लेस होगा ना, गॉट इट? क्लियर? 198D। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 3। डी का वैल्यू कितना आएगा? 3। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना है? 5। डी का वैल्यू 3, तो बनेगा 8 5 3। 8 5 8 853 इज माई ओरिजिनल नंबर। कोई डाउट, कोई शक किसी को? अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 852 होगा ना? 852, यस 852 रहेगा। 852 रहेगा, 8 5 एंड 2, यस। क्वेश्चन नंबर 8, टू कार स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम प्लेस। ठीक है, यहाँ पर आपकी कार ए है और यहाँ पर आपकी कार बी है,
दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। आगे क्या लिखा है, द फर्स्ट कार्गो विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। चलो जी, तो इसका हमको स्पीड मालूम है, इट इज 10 किलोमीटर पर आवर। पर दूसरी गाड़ी कैसे चल रही है, वो फर्स्ट आवर में 8 किलोमीटर पर आवर चलती है और हर 1 घंटे बाद अपनी स्पीड 0.5 किलोमीटर इंक्रीज कर लेती है ना। फर्स्ट गाड़ी कैसे जा रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ना कम कर रही है ना ज़्यादा कर रही है। पर दूसरी गाड़ी कैसी है, पहले 1 घंटे में 8 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, अगले घंटे में 8.5, अगले घंटे में 9 किलोमीटर, अगले घंटे में 9.5, अगले घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 10.5 किलोमीटर पर आवर, फिर 11 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये सेकंड वाली गाड़ी फर्स्ट वाली गाड़ी को ओवरटेक कर जाएगी, क्योंकि पहली वाली केवल 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, पर सेकंड वाली क्या कर रही है, हर 1 घंटे में अपनी स्पीड इंक्रीज करती है। ठीक है, तो जब सेकंड गाड़ी फर्स्ट वाले को ओवरटेक करेगी, इसका मतलब जो डिस्टेंस ए गाड़ी ने ट्रेवल किया और जो डिस्टेंस बी गाड़ी ट्रेवल करेगी, दोनों सेम होगा तभी उसको ओवरटेक कर पाएगी। जैसे उसने डिस्टेंस गाड़ी कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और कार बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर दोनों इक्वल हो जाए उसका, तो उसको ओवरटेक कर जाएगी। गॉट इट, ये इसका लॉजिक है। अभी देखो, जो डिस्टेंस फॉर कार ए है, तो डिस्टेंस फॉर कार ए है स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि यहाँ पर स्पीड आपकी 10 किलोमीटर है, टाइम हमको निकालना है, तो इसको हम 10 इंटू टी कह सकते हैं भाई, इसको टी टाइम लगा। ठीक है, सेकंड डी बी। अब डी बी क्या, एक एपी बनेगा, कैसे भी बनेगा। देखो फर्स्ट पहले हम क्या निकालेंगे, उसका स्पीड निकालेंगे, पहले किलोमीटर में 8 इंटू 1 है ना। वापस बताता हूँ थोड़ा आपको, जो कार बी है, हम कार बी को समझो, कार बी ने 1 घंटे में फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8 किलोमीटर है ना। सेकंड आवर में कितना ट्रेवल करेगी, 8.5 किलोमीटर। थर्ड आवर में 9 किलोमीटर। तो आपका एपी बन गया। ए का वैल्यू कितना है, 8, बी का वैल्यू कितना है, 0.5। हमको क्या निकालना है, टी, मतलब टी घंटे बाद। तो हमारा डिस्टेंस डी विल इक्वल टू T/2, मतलब N/2, 2 इंटू ए, ए कितना है 8, प्लस T-1, और हमारा डी कितना है 0.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये T/2 16 प्लस 0.5 T, आवाज आ रही सबको, हेलो। सबको आवाज आ रही मेरी, ओके। मेरा क्योंकि दूसरे मोबाइल से लॉग आउट हो गया। एक मोबाइल से मैं लॉगिन कर रहा हूँ फिर से, तब तक आप ये इसे इक्वेशन बनाओ फटाफट। इक्वेशन क्या बनेगा, ये डी बी दिखाओ, इक्वेशन क्या बनेगा सबका, इक्वेशन चेक करो सबका एक बार। यस, जीरो पॉइंट फाइव टी माइनस 0.5।
ओके, इसको इक्वल टू 10t कर दो, तो चेक करो अगर आपका इक्वेशन करेक्ट है तो। t बाई टू ये बनेगा 15.5 प्लस 0.5t। हो जा रही है, हाँ जी दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो। मैं शांत था इसलिए आवाज नहीं आई। उसको हाफ लेके करता हूँ तो शायद इजी सॉल्व होगा, हाफ से तो सॉल्व होगा। डी बी इक्वल टू टी बाई टू टू इंटू एट प्लस टी माइनस वन हाफ इक्वल टू टी बाई टू 16 प्लस टी बाई टू माइनस हाफ। टी बाई टू 16 ही होगा 32, 31 बाई टू प्लस टी बाई 1 बाई टू बाहर ले लो तो टी बाई फोर अंदर बनेगा 31 प्लस टी, ना थोड़ा सिंपल करके मैं 32 माइनस 31 तो ये आपका कितना आ गया डी बी, ये आपका क्या आ गया डी बी। मैंने 0.5 की जगह हाफ लेके सॉल्व किया। अब डी बी इक्वल टू डी ए करेंगे तो 10 टी, टी से टी देखो कैंसिल, 31 प्लस टी इक्वल टू 10 इंटू 4, 4 कहाँ चला गया आर एच एस में चला गया, तो टी इक्वल टू 4t माइनस 31 तो टी इक्वल टू आ गया 9 आवर्स, मतलब 9 घंटे बाद सेकेंड गाड़ी फर्स्ट गाड़ी को ओवरटेक कर जाए। मैंने डी को 0.5 की जगह 1/2 लेके सॉल्व किया, उसे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो गया। गया सबको, किसी को डाउट, किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आगे चलें, तो यहाँ पर आपका डे 10 फिनिश होता है, ठीक है। 7, 8, 9th और 10th क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, सॉल्व हो गया तो अच्छा है। 9th और क्वेश्चन तो टफ भी हैं और ये 11th लेवल के, अगर आपको किसी को इंडिविजुअल समझना है तो मैं समझा दूंगा, कल अगर टाइम बचेगा उनको समझा दूँगा, पर फर्स्ट है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड लेवल पर आते हैं और जो आपको हेल्प करेंगे वो आपको मैंने बता दिया। देखते अगला डे 11। डे 11 का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सेकंड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, थर्ड भी एनसीईआरटी है, फोर्थ भी एनसीईआरटी, फिफ्थ भी एनसीईआरटी के लेवल का है,
6, 7 और 8, 12। चलो ये आपका डे 11 है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। डे 9, डे 10 और जो डे 11, जो भी क्वेश्चन बचे आपके होमवर्क हैं, आप ट्राई करो, नहीं होंगे तो कल आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। आप सिर्फ ट्राई प्रयास करना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मुश्किल है ना होगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड इजी है, थर्ड ये भी हो जाएगा आपसे, फोर्थ भी आप लोगों से हो जाएगा अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो, फिफ्थ मैं समझा दूंगा, फिर भी ट्राई करना, सिक्स्थ हो जाएगा, सेवन्थ हो जाएगा, एट्थ भी हो जाएगा और 12th भी हो जाएगा। 12th तो एकदम बचोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप डे 9, डे 10 और डे 11, आप जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं आप सॉल्व करो, जो कल छूट जाएंगे कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और मोस्ट लाइकली हम अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेके चलेंगे, अच्छा चैप्टर है लेके चलेंगे। और इस संडे एपी का 3 घंटे का टेस्ट होगा, फुल एपी का टेस्ट होगा, ओके। अगर किसी ने अटेंडेंस ना दी, अटेंडेंस अभी दे सकता है। चलो फिर हम कल मिलेंगे अभी, हरी बोल। कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।